चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फिर दिखाया रौद्र रूप। मोदी सरकार के गालों पर करारा तमाचा, हिल गई पूरी सरकार। एक तरफ देश की तमाम सरकारी एजेंसियां मोदी सरकार के इशारों पर काम कर रही है, चाहे जांच एजेंसियां विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही, दूसरी तरफ कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर रही, निचली अदालतें हाई कोर्ट भी मोदी सरकार के प्रभाव में आकर फैसला सुना रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह रहकर मोदी सरकार को सबक सिखा रहे अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसा कर दिया कि पूरी सरकार ही हिल गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, अगर सरकार अपनी सीमा लांघती है तो हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहेंगे। खैर, हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आखिर ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया कि मोदी सरकार की पूरी किरकिरी हो गई, आपको पूरी बात बताएंगे। इससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े एक मामले में हम फैसला सुनाया है। अपने हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों को दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी भी न्यूज आर्टिकल पर रोक नहीं लगानी चाहिए, ऐसा सिर्फ अपवाद के रूप में हो सकता है। कोर्ट ने कहा, इस तरह रोक लगाने से लेखक के व्यक्ति की आजादी और लोगों के जानने के अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ग्रुप ब्लूमबर्ग के एक न्यूज आर्टिकल से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर यह टिप्पणी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने की। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह फैसला देते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। ब्लूमबर्ग ने जी एंटरटेनमेंट पर एक आर्टिकल छापा था, इसी को अपमानजनक बताते हुए ट्रायल कोर्ट ने आर्टिकल हटाने का निर्देश दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसी भी कॉन्टेंट के प्रकाशन पर रोक का आदेश पूरी सुनवाई के बाद दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा? सुनवाई पूरी होने से पहले आर्टिकल पर रोक लगा देना सार्वजनिक बहस का गला घोटने जैसा है। आरोप साबित होने से पहले आर्टिकल को हटवाना उस कंटेंट को मौत की सजा देने के बराबर है। ऐसा करने से बचाव पक्ष की तरफ से दी गई दलीलें असफल रहेंगी। इस तरह की अंतरिम रोक लगाने से पहले अभिव्यक्ति की आजादी और सार्वजनिक भागीदारी पर रोक जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा मामला? ब्लूमबर्ग ने अडानी के खिलाफ एक खबर छापी थी, इसके बाद जी ग्रुप ने ब्लूमबर्ग के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। जी ने ब्लूमबर्ग के लीक में छपे दावों को खारिज किया और कहा यह आर्टिकल ग्रुप को बदनाम करने के मकसद से छापा गया। ग्रुप ने दावा किया आर्टिकल में जी के बिजनेस ऑपरेशन पर अनुमान को सच की तरह लिखा गया, लेकिन अवैध फंड के डायवर्जन के आरोपों का कोई आधार नहीं था। जी ने यह दावा किया, आर्टिकल छपने के बाद उसके स्टॉक की कीमत करीब 15% तक गिर गई। इन सब दावों के आधार पर जी ने कोर्ट से अपील की कि ब्लूमबर्ग के आर्टिकल को हटाया जाए। निचली अदालत ने सरकार के फैसले को उठा रहा था सही, निचली अदालतें हाई कोर्ट भी ने उस फैसले का साथ दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में हाई कोर्ट को फटकार लगाई है और अपने आदेश बदलने का आदेश दिया है।